नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आर्टिजनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सबका इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और आपकी लॉयल्टी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी प्रोत्साहन के लिए, यू नो। तो थैंक यू सो मच, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और ये स्पेशल जो थैंक्स जाता है ना डेली, ये मेरे सब्सक्राइबर्स को जाता है। जो क्रेडिट जाता है ये चैनल आज जो इतना बड़ा चैनल बना है, जो भी मैं आज इस चैनल के द्वारा बन गई हूँ, आपकी चहेती, आपकी आइडल, आपकी इंस्पिरेशन, जिस तरह के मैसेजेस, कमेंट्स आप इस तरह से मुझे लिख के भेजते कि मैम आप हमारे आइडल हो, इंस्पिरेशन हो, रोल मॉडल हो हमारे, बस थैंक यू सो मच इतने रिस्पेक्ट के लिए, इतने सम्मान के लिए, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ, एक कॉमन पर्सन, एक यू नो एक कॉमन मैन हूँ, कॉमन वूमेन हूँ। और आपने मुझे खास बना दिया है अपनी मोहब्बत से, आपकी बहुत बड़ा दिल है, आपका जनरोसिटी, आपकी काइंडनेस, थैंक यू सो मच। मेरी यही दुआ है आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, अच्छी सेहत रहे आपकी और स्वस्थ रहो आप, मन का सुकून रहे आपके पास, क्योंकि मन शांत है और आप स्वस्थ हो, जान है तो जहान है, ठीक है। सो मे गॉड ब्लेस यू विद साउंड हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, ऑल द पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस चैनल, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एक मच वेट अवेटेड टॉपिक, जो है येस और नो रीडिंग। जी हाँ, और आज 3 पाइल्स हमारे पास, टन टन, ओके। सो वी हैव 3 पाइल्स। सो उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका है, टाइमलेस और जेंडरलेस रीडिंग है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, उसका येस या नो क्या जवाब आएगा वो हम देखेंगे। कार्ड्स प्री शफल्ड होते हैं, हमें नहीं पता है क्या होता है उसमें, ठीक है। जो यूनिवर्स की मर्जी हो उतने कार्ड्स हर पाइल में आते हैं, वही कार्ड्स उस पाइल में आते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी विल स्टार्ट। अब मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ जो मैंने सिलेक्शन के लिए रखे हैं। चलिए, ये है पाइल 1 के लिए नाइट ऑफ कप्स, तीनों नाइट्स रखे हैं मैंने। सो इट्स अप टू, इट्स योर कॉल कौन सा नाइट आप सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। द पाइल 1 कार्ड वी हैव फॉर सिलेक्शन इज नाइट ऑफ कप्स, ओके। पाइल 2 कार्ड वी हैव इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर पाइल 2, ओके। पाइल 1 इज नाइट ऑफ कप्स, पाइल 2 इज Knight of Swords, pile 3 is Knight of Wands, okay. So close your eyes, take a deep breath and universe or God se khuda se kaise pile ki taraf aapko direct kare, le jaye, theek hai. Tab tak hum 5 seconds ke liye om chanting karenge. Om Namah Shivaya, 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 ओम नमः शिवाय, 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 ओके। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इफ़ यू नीड मोर टाइम यू कैन पॉज द वीडियो। थैंक यू सो मच, वी विल गेट स्टार्टेड नाउ, जस्ट गिव मी अ सेकंड फ्रेंड्स, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच कार्ड्स फॉर बीइंग विद अस। ओके, फॉर दोज जिन्होंने सेलेक्ट किया है, फॉर दोज जो सेलेक्टेड पाइल नंबर 1 द नाइट ऑफ कप्स, ओके, विद दिस हैंडसम मैन होल्डिंग रोजेस इन हिज फ्लावर्स इन हिज हैंड, बुके ऑफ फ्लावर्स, ओके, बुके ऑफ रोजेस, ओके, ओके। चलिए लेट्स सी, हो सकता है आप थोड़े काफ़ी इमोशनल पर्सन हो, ठीक है। क्या पूछ, आपका सवाल ये भी हो सकता है कि क्या कोई पर्सन आपको प्रपोज करेगा या नहीं करेगा, कि उसकी क्या वो आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, या वापस आएंगे नहीं आएंगे। जस्ट आई डोंट नो, स्पिरिट टोल में कि हो सकता है किसी का सवाल ये भी हो सकता है, या आप किसी जॉब ऑफर का वेट कर रहे हो, जॉब प्रमोशन का वेट कर रहे हो, आई डोंट नो। कुछ लोगों के लिए क्वेश्चन ये भी हो सकता है, कोई भी आपका क्वेश्चन, हमें बता दूँ उसका जवाब हम चेक करने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन।
क्वेश्चन का जवाब येस या नो हम बताने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. येस फ्रेंड्स, आई एम बैक. एक्चुअली यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ हसल बसल अराउंड हियर एट माय होम. ओके, सो चलिए चलिए हम जैसे मैं आपको बता रही थी, किसी भी क्वेश्चन का जवाब, वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आपकी लव, हेल्थ, करियर, जॉब, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपके फ्यूचर से रिलेटेड, ठीक है? तो हम देखने वाले उसका जवाब क्या है, ठीक है? एंड फ्रेंड्स, याद रखिए, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि नथिंग इज सेट इन स्टोन. आप हमेशा अपनी लाइफ, अपने कर्माज, अपने विशेष को पूरा कर सकते हैं विद पॉजिटिव अफर्मेशंस, विद ग्रैटिट्यूड, विद योर हार्ड वर्क. ओके, ये तरीके होते हैं. मैनिफेस्टेशंस भी आपकी हेल्प करती हैं, ठीक है? और दिस इज़ अ जनरल रीडिंग. टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डज नॉट. चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला कार्ड हमारे पास आया है पेज ऑफ वांड्स, टेम्परेंस, द सन, Five of Swords and Page of Cups in reverse. Okay, I would like to get a clarifying card over here. Just a second. जवाब मुझे पता था, बट फिर भी मुझे चाहिए था आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए कार्ड और चाहिए था, जो मुझे मिल गया है. वो कार्ड है किंग ऑफ कप्स, ठीक है, जो क्लैरिफाइंग कार्ड मैंने निकाला है. तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे ये जो दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने लाइफ में बहुत पेशेंस दिखाया है, चीज़ों को, इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश की है. जैसे मैंने कहा, आप एक इमोशनल पर्सन हैं, ठीक है, और कोई पर्सन जिससे आपका पाला पड़ा है, हो सकता है बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है वो, बहुत थोड़ा हो सकता है आर्ग्यूमेंट, झगड़े वगैरह आप लोगों के हो जाते हैं, ठीक है. ये पर्सन हो सकता है पास्ट में एक फ्लिंग्स या अफेयर या शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप की या कमिटमेंट फोबिक थे, ठीक है, इमेच्योर एनर्जी में थे. कुछ लोगों का मुझे एज गैप दिख रहा है, कल्चरल डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है. सो ये पर्सन जो है, अगर आपका सवाल इस रिलेशनशिप से रिलेटेड है, कोई भी रिलेशनशिप, लव रिलेटेड आपका सवाल है, तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, पेशेंस आपको और रखना पड़ेगा. आपको अपने इमोशंस जो आउट ऑफ बैलेंस हो रहे हैं, उन इमोशंस को बैलेंस करना होगा आपको, ठीक है. आपको अपनी वापस हैप्पी गो लकी एनर्जी में वापस आना है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी में वापस आना है. आपने, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है आपने, ठीक है. अगर आप खुद को निग्लेक्ट कर रहे हो इसी रिलेशनशिप में, तो वो यूनिवर्स और स्पिरिट कह रहे हैं कि खुद को निग्लेक्ट मत करो, ब्रिंग बैक द चर्पी सेल्फ, ठीक है. खुद का जो एक पहले जैसे आप थे कि खुश रहना, हमेशा खुशियाँ ढूंढ लेना, अपना ध्यान रखना, मेकअप, सेल्फ केयर, वट एवर यू लाइक टू डू, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, वट एवर यू लाइक, बट टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. ओके, सो इस तरह से यू हैव टू डू दिस इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन द रिलेशनशिप सेक्टर. ओके, चलिए, टू अलाउ लव टू कम बैक टू यू. ओके, सो चलिए, एंड मैं आपको बताती हूँ, अब करियर पे आते हैं. जवाब आपको एक ही बार में मैं बताऊँगी कि क्या जवाब है, ठीक है. चलिए, अब हम करियर सेक्टर पे आते हैं. अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, किसी जॉब ऑफर, जॉब सर्च कर रहे हैं, या करंट जॉब में आपको कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, या कोई लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हो रहा है किसी के साथ में, सीनियर्स के साथ में, या जो आपकी कोलीग्स हैं उनके साथ में, या मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी की शायद आपकी जो कोई आर्ग्यू करता है आपके साथ, या कोई आपको वो रिस्पेक्ट, वो तवज्जो आपको शायद नहीं मिल रही जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है. मुझे भी दिख रहा है कि हो सकता है आप सीनियर लेवल डिज़र्व करते हो, सीनियर पोजीशन पे हो. आई एम हियरिंग सीनियरिटी, सीनियर, सीनियर, या तो कोई सीनियर आपको बहुत सीनियरिटी शो कर रहे हैं, जस्टिस नहीं कर रहे आपके साथ. अगर आप सीनियर हो, आपके जूनियर्स आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग. ओके, तो हेल्थ आपकी इंप्रूव होते हुए दिख रही है. अगर आपका ये क्वेश्चन था, वेट लॉस रिलेटेड था.
अगर आपका सवाल किसी भी सेक्टर से रिलेटेड था तो जवाब है यस। द आंसर टू योर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में था उससे रिलेटेड जो जवाब है वो है यस। सो कंग्रेचुलेशंस। ओके चलिए पाइल वन, कंग्रेचुलेशंस, आपका जो जवाब था वो यस था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। हेलो पाइल टू, कैसे हो आप सब? एंड आई होप यू टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज रिमेंबर यू आर प्रेशियस। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने पाइल वन की रीडिंग की शुरुआत में कहा, वैसे मैं कहना चाहूँगी कि नथिंग इज सेट इन स्टोन, यू कैन ऑलवेज चेंज द आउटकम विद मैनिफेस्टेशंस, ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस। ओके सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव व्हाट डज नॉट। ओके सो चिल, जस्ट चिल। ओके चलिए देखते हैं, जिन्होंने सेलेक्ट किया था नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड पाइल टू, ठीक है। ओके हो सकता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं, आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो, आप कुछ लोग, आई एम हियरिंग लिटरेचर फॉर सम ऑफ यू, आई एम हियरिंग डॉक्टर्स मेडिकल फील्ड फॉर सम ऑफ यू, आई एम हियरिंग स्पिरिचुअल फील्ड अकल्ट फॉर सम ऑफ यू। तो हो सकता है कुछ ये फील्ड्स में आप काम करते हुए, जिस पर्सन के बारे में इंक्वायर कर रहे हो वो उस फील्ड में काम करते हो, आई डोंट नो, आई एम हियरिंग आपका इस फील्ड से कुछ रिलेशन हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी सवाल, उसका जवाब क्या है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो कार्ड हमारे पास आया है वो है सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। ओके पहली पाइल में हमको एक क्लैरिफाइंग कार्ड निकालना पड़ा था, क्योंकि उसमें दो कार्ड रिवर्स में आए थे जो ये बता रहे थे कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा, पेशेंस रखना होगा, तब और अपनी जो एक खुद पे एक सेल्फ केयर करनी होगी, तो जो रिजल्ट आएंगे वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ डिलेज या ऑब्स्टेकल्स उसमें दिख रहे थे, ठीक है। लेकिन जवाब फिर भी यस ही था, ठीक है। लेकिन इस पाइल में मुझे कुछ लोगों के लिए साफ दिख रहा है, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे पता है आधे सारे लोगों को जवाब पता चल गया होगा, फिर भी मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, मैं आदत से मजबूर हूँ, हर चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। चलिए काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग करियर से रिलेटेड भी पूछ रहे हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप सेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं, काफ़ी लोग लव सेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या आपकी मैरिज होगी इस साल या अगले दो सालों में आपकी मैरिज होगी, या जिस पर्सन को आप चाहते हो क्या उनसे आपकी मैरिज होगी, या कोई पर्सन आपको प्रपोज करेंगे नहीं करेंगे मैरिज के लिए, या कोई क्रश है आपके, क्या वो आपको पसंद करते हैं, क्या इस बात आगे बढ़ेगी, या कुछ लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है आप किसी से मुलाकात का वेट कर रहे हो कि आपसे मुलाकात हो, अनब्लॉकिंग हो, या वो आपको मैसेज करें, या कुछ बातचीत शुरू हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे दिख रही है कुछ लोगों की, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है करियर में आपको जो तवज्जो आप चाह रहे हो, जो इम्पोर्टेंस आप चाह रहे हो, जो हाई लेवल, हाई पोजीशन, हाई सैलरी चाह रहे हो, या ड्रीम जॉब चाह रहे हो, अच्छी कंपनी में, कुछ बेसिकली कुछ लोग मुझे हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोगों का सवाल मुझे दिख रहा है अब्रॉड जाने से रिलेटेड, ठीक है। सो कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि हेल्थ रिलेटेड सवाल है आपका, ठीक है। तो जो भी आपका सवाल है, द आंसर इज अ श्योर शॉट 100% यस। ओके सो मुबारक 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 मुबारक, ठीक है। चलिए सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज ये यस। इसी बात में चलो 100% एक सब्सक्रिप्शन चिपका देना मेरे उस पर, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, अगर आपका दिल कहता है तो दिल की बात सुनो और सब्सक्राइब कर डालो फ्रेंड्स, चलिए ठीक है। और चलिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू लाइक द रीडिंग एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, टाटा।
चलिए अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ. सो पाइल 3, हाउ आर यू गाइस डूइंग, कैसे हो आप सब, अपना ख्याल रख रहे हो ना. चलिए देखते हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया था नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, हो सकता है आप काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो, आर्टिस्टिक हो, या एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि सिंगिंग एंड डांसिंग किया करो, कुछ क्रिएटिव आउटलेट करो ताकि आपकी जो पेंट अप इमोशंस हैं या जो भी इमोशंस हैं उनको आउटलेट मिल सके और आप खुश रहो. ठीक है, चलिए. सो कोई भी सवाल आपके मन में है, कोई भी सवाल उसका जवाब क्या है वो हम देखने वाले हैं. एंड फ्रेंड्स, जैसे मैंने शुरुआत में बाकी दोनों पाइल्स की शुरुआत में मैंने कहा था, मैं आपसे कहूँगी कि यू कैन ऑलवेज चेंज द आउटकम ऑफ योर एक्शंस, ऑफ योर विशेज, ऑफ यू कैन ऑलवेज चेंज द आउटकम विद ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड मैनिफेस्टेशंस. ठीक है, नथिंग इज सेट इन स्टोन. चलिए इसी नोट के साथ हम शुरुआत करेंगे, देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं. पहला कार्ड हमारे पास आया है जजमेंट, देन वी हैव नाइन ऑफ वॉन्स, टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्स. आई डोंट नो व्हाई आई सेड नाइट ऑफ वॉन्स, यू टोल्ड नाइट ऑफ वॉन्स राइट, किंग ऑफ वॉन्स, सॉरी, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, काफ़ी धोखे खाए हैं लाइफ में आपने, काफ़ी अड़चने देखी हैं अपनी विशेष को पूरा होते हुए देखने में, आपने बहुत अड़चने देखी हैं. मुझे वो लाइन्स बहुत ध्यान आ रही हैं जगजीत सिंह की, जो एक गज़ल सिंह उनका गाना था, एक उसमें वो था ना, जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा. ठीक है, थोड़ा ओवरलुक कर देना मेरी सिंगिंग को, बट मैं आपको अगर गा के नहीं बताती आपको पता नहीं चलता तो. ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी, आपको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ आपने, जिसको भी चाहा, कुछ भी आपने चाहा पाना लाइफ में, वो आपसे छीना गया है या आपको मिला नहीं है या बहुत अड़चने आई हैं, कुछ भी व्हाटसोएवर एक्स वाई जेड रीज़न था, लेकिन आपको जो आप चाहते हो वो पाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ी है, बहुत मेहनत करनी पड़ी आपको. ठीक है, कई बार तो आपको उसके बाद भी नहीं मिला, लेकिन आप जो चाहते हो आपको बहुत मशक्कत करने के बाद मिला, आपको बहुत मेहनत करने के बाद आपको वो चीज़ मिली. ऑलमोस्ट खुद को कहते हैं ना, फिगरेटिवली या लिटरली खुद को चोट पहुंचा के आपको वो चीज़ मिली, जो वो चीज़ आपको घायल कर गई उसके बाद आपको वो चीज़ मिली. मतलब आपको बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़े, आपको खुद को, आपने खुद को टूटते हुए देखा है, फिर बिखरते हुए देखा है, फिर खुद को खड़ा किया है जैसे कुछ ना हुआ हो. आप एक वॉरियर हो, आप योद्धा हो. ठीक है, तो आपने, मुझे ये भी दिख रहा है, आपने ये भी चाहा था कि आपकी फैमिली हो, आपकी शादी हो, आपके बच्चे हो, आपको एक प्यार करने वाला पार्टनर मिले या प्यार करने वाली पार्टनर मिले, जो प्यार शायद आप ज़िंदगी में ढूंढते रहे हो, तरसते रहे, जो जैसा प्यार आप करते हो लोगों से, बहुत ही निष्काम भाव से, बहुत ही सेल्फलेस, अनकंडीशनल, प्योर, वैसा प्यार आप चाहते थे आपको मिले, लेकिन वैसा प्यार आपको शायद नहीं मिला. वैसी लाइफ जैसे आप चाहते थे, एक हैप्पी लविंग लव लाइफ या मैरिड लाइफ, वैसी आपको नहीं मिली. ठीक है, या अगर मिली तो बहुत, तो कुछ लोगों ने उसको तोड़ने की कोशिश करी, कुछ लोगों ने उसको यू नो अड़चने डालने की कोशिश करी, पार्टनर को आपके खिलाफ पढ़ने की कोशिश करी, कुछ ना कुछ अड़चने डालने के लोगों ने कोशिश करी. ठीक है, या आपके पार्टनर को, आई एम हियरिंग, आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश करी गई है. ठीक है, सो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, मेहनत बहुत दिख रही है. जी हाँ, आपने बहुत मेहनत करी है लाइफ में, बहुत हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो. मुझे भी दिख रहा है, कुछ लोग, हो सकता है कि आपके अंदर ना, आपको आपको आपकी फैमिली में आपको कोई कुछ कहता होगा इस तरह से कि लोगों से सोशलाइज किया करो, लोगों के साथ बैठा करो. आप शायद ना, आपके अंदर एक रिक्लूज वर्ड होता है, रिक्लूज, एंटी सोशल नहीं कहूँगी मैं, बट काइंड ऑफ, मतलब कि आप अलग अलग रहना, सॉलिट्यूड प्रेफर करते हो आप, अपने अपनी आप थोड़ा अलग थलग रहना प्रेफर करते हो. मैं ये नहीं कह रही कि सोशलाइज नहीं करते,
बिल्कुल हो सकता है कि जब आप किसी पार्टी में जाते हो, किसी महफिल में जाते हो, तो उस लाइफ ऑफ द पार्टी बन जाते होगे, महफिल की जान बन जाते होगे आप, क्योंकि आपके अंदर वो बात है. आप जब व्हेन यू वॉक इन टू अ रूम ना, यू लाइट अप द वाइब. ओके, आप काफ़ी मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी क्रिएटिव हो, जैसे मैंने पहले भी कहा आर्टिस्टिक हो. मुझे भी दिख रहा आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है भाई, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है. गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, अट्रैक्टिव हो. अगर आप 30 के ऊपर भी हो गए तो भी हो सकते, या तो अपनी एज से कम लगते हो, या खुद को काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ है, या आप वैसे ही काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हो. ठीक है, लोग इम्प्रेस होते होंगे आपकी पर्सनालिटी से. जो आपसे मिलता होगा ना, आपको भूल नहीं पाता होगा, वो वाइब्रेशन है आपकी. आप जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन आप जिससे मिलते हो आप इम्प्रेशन छोड़ जाते हो उसके ऊपर. ठीक है, सो अगर किसी के साथ रिन्यूअल की उम्मीद कर रहे हो, या मैरिज करना चाहते हो, या मैरिज में यूनियन चाहते हो कि वो वापस आ जाए, या कुछ अगर मुझे ये भी सुनाई दे रहा है, कुछ लोग शायद लेडीज़ मैरिड लेडीज़ कंसीव करना चाह रही है, चाइल्ड बर्थ चाह रही हैं, और तो होगा. ठीक है, बिल्कुल होगा, आपको मिलेगा. ठीक है, मुझे ये दिख रहा है कि आप जैसे थोड़ा टाइम आपको, जैसे मैंने कहा पहले, कह रही थी मैं, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ये बताता है कि थोड़ा कभी कभार आप सैड हो जाते हो, डिप्रेस फील करना, लो फील करना, खुद को आइसोलेट कर लेना, या कम्युनिकेशन लोगों से बंद कर देना या कम कर देना, या अपने वर्ल्ड में रहना. अपने वर्ल्ड में रहना इन द सेंस कि थोड़ा अलग मुझे स्पेस चाहिए अपने लिए, यू नो, वो वाली चीज़. मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि एक वन ऑफ द रीजंस व्हाई आपको अपना स्पेस चाहिए होता है, या आपको इतना कुछ टाइम के लिए आप रिक्लूज बन जाते हो, सोशलाइज नहीं करते, उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि आपको लोगों के असली चेहरे पता हैं, आपसे दिखावा नहीं होता. आप थोड़ा अलग थलग इसलिए भी रहना शुरू कर देते हो, आप उन लोगों से अलग थलग रहते हो जिनके असली चेहरे आपको पता हैं, जो दिखाते कुछ और है, मन में जहर भरा हुआ है आपके लिए. आपको पता है ये चीज़ मन में क्या है, मुंह पे क्या है, इसलिए आप दिखावा करने वालों में से नहीं हो, आप बिल्कुल साफ मन के हो आप. इसलिए आप प्रेफर करते हो कि भाई ठीक है, मेरे को अपने में ही खुश हूँ मैं. ठीक है, तो ये चीज़ है. ठीक है, करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आपका सवाल है, मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है ऐसा कि हो सकता है कि आप मेहनत बहुत करते हो पर आपको क्रेडिट नहीं मिलता उसका, या फिर क्रेडिट कोई और ले जाता है, या फिर आपको लगता है कि एक चीज़ तीनों पाइल्स में कॉमन आई है कि जो रिस्पेक्ट आप चाहते हो, मतलब जो आप चाहते हो ना कि आपको तवज्जो मिले अपने सीनियर्स से, अपने सीनियर्स की आँखों में, आईज़ में, आप यू शुड बी इन द गुड बुक्स, एंड वो आपको अप्रिशिएट करें, आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करें, आपको सैलरी रेज दें, आपको इंक्रीमेंट दें, आपको प्रमोशन दें, उसमें डिलेज आ जाते हैं, या कुछ ना कुछ अड़चने आ जाती हैं, आपको ड्रीम जॉब नहीं मिल पा रही है, या कुछ लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उसमें अड़चने आ रही हैं. ठीक है, पहले तो फ्रेंड्स मैं ये कहूँगी, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो या कुछ भी जॉब सर्च कर रहे हो, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो भी आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे जो है सेशन ले सकते हो, divinevisionrd@gmail.com divinevisionrd@gmail.com पे आप मुझे ईमेल कर सकते हो. और मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम भी जो है मेंशन है, इसी नाम से है, divinevisionrd. फेसबुक भी, इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है. आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो. मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि बहुत मैसेजेस रिक्वेस्ट होती हैं लोगों की, एंड आई हैव टू टेक टाइम आउट टू रिप्लाई, तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी व्हेनेवर आई एम फ्री. एंड आप सेशन बुक करके अपनी प्रॉब्लम्स पे फुल स्टॉप लगा सकते हो. ठीक है, चलिए. सो एंड मुझे दिख रहा है कि अगर आप प्रमोशन चाह रहे हो, ग्रेजुअली आपको मिलेगा, धीरे धीरे आपको मिलेगा. सैलरी हाइक चाह रहे हो, प्रमोशन चाह रहे हो, तो वो आपको मिलेगा. कुछ लोगों के लिए मुझे जुलाई में दिख रहा है प्रमोशन जो है, कुछ लोगों के लिए मुझे जुलाई में, कुछ लोगों के लिए सितंबर अक्टूबर इसमें दिख रहा है प्रमोशन आपके लिए. ठीक है, सैलरी रेज मुझे कुछ लोगों के लिए एनुअली ही दिख रहा है कि एनुअल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जुलाई या अक्टूबर तक आपका सैलरी हाइक, ड्रीम जॉब या जॉब लगना, या कोई इंक्रीमेंट होना, या अच्छी पोजीशन पे, सब कुछ जो भी आप चाह रहे हो करियर रिलेटेड, फाइनेंस
फाइनेंस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो, द वे आई एम फंबलिंग राइट नाउ, मुझे लग रहा है कि आप हो सकता है कि थोड़ा यू नो कंफ्यूज महसूस कर रहे हो किसी बात को लेके, या आप अनश्योर हो किसी चीज़ को लेके, या परेशानी में हो, खुश नहीं हो किसी, जब करियर फाइनेंसेस की बात आती है, लव लाइफ की बात आती है, आपने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, तो आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कीप अप द हार्ड वर्क, ठीक है। हो सकता है आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, स्पेस आइसोलेशन में चले गए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन में, वो पर्सन बहुत स्लो एनर्जी में है, ठीक है, और लेकिन वो पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, ठीक है, और वो पर्सन इस कनेक्शन पर लेट को नहीं करने देना चाहते, दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, एंड वो रिकॉन्सिलेशन इज़ ऑन द कार्ड्स, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपसे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि अगर आप किसी पार्टनर से रिकॉन्सिलेशन, मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है न्यू पार्टनर, न्यू लव, अगर आप न्यू लव चाह रहे हो अपनी लाइफ में, मैरिज रिलेटेड चाह रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो पार्टनर मुझे आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों की बात एंड ऑफ दिस ईयर शादी की बात फिक्स होना, वो सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे, स्पेशली अक्टूबर मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, टू दिस पाइल इज येस, बट यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट, यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। जिस पर्सन को स्पेस चाहिए उसको स्पेस दे दो, खुद भी स्पेस लो, डू सम सेल्फ केयर, सेल्फ लव, एंड इनर वर्क करो अपना, शैडो वर्क करो अपना, तो आपको रिजल्ट जो है पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। सो ये आपके लिए एडवाइस थी, गाइडेंस थी आपके लिए, जो कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। चलिए मुझे अलग से नहीं निकालने की कोई ज़रूरत पड़ती गाइडेंस कार्ड एडवाइस कार्ड, मेरे कार्ड साथ ही बता देते हैं, ठीक है। चलिए सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग, तीनों पाइल्स जो हैं अपनी यूनिक रही, काफ़ी अच्छी रहीं, और आपको कैसी लगी आज की रीडिंग आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है, बहुत शिद्दत से, मोहब्बत से, दिल से हम ये वीडियोस बनाकर लेकर आते हैं आपके लिए। तब भी अगर आप सिर्फ देख के चले जाओ तो ये कोमल सा छोटा सा दिल जो है ना यू नो टूट जाता है, ठीक है। तो ऐसा मत किया करो यार, इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ, ठीक है। चलिए आई सी यू अनदर रीडिंग, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू नारा, ब्लेस यू, much love, love you.